हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का एग्जाम लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सेट कोड जो है एच आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। जिनका भी सेट एच होगा वो सीरियल वाइज मिला लीजिएगा, जिनका अदर सेट होगा वो क्वेश्चन अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई देखो, यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया गया है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन वन ऑल से वन ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है वो कौन सा है। तो PBr3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, यहाँ सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है, यहाँ जो C6H6+Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है देखिए दिया गया, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पाइरोलिग्नियस अम्ल से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है। तो OH जो हो जाएगा सिंगल बंड OH, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। तो फिनॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो भाई सेवन नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो क्या मिलता है, तो एल्डिहाइड मिलता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है एट नंबर दिया गया है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। तो कितना होते हैं, तो तीन होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो कितने गोलों से घिरी होती है, तो सिक्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। शॉटकी दोष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो Fe3O4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेवन नंबर का। चलिए ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो क्वथनांक कोणीय अन्य ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, घोलक के एक केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा एजियोट्रोपिक मिश्रण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, विटामिन सी है। तो क्या स्कॉर्पिक अम्ल है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। तो विटामिन B12, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, F2C11CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। तो टेफ्लॉन का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चल दो भाई। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, क्लोरोक्वीन है एक क्या है, तो एंटी मलेरियल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दो को दिया गया, 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, पेंसिलिन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा आंसर इसका, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, सभी लिगेंड होते हैं। तो लेविस भॉसमैन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जैव अणु का MG एक प्रमुख संघटक है। तो क्लोरोफिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कौन कथन गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर पर चलते देखिए, 27 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। तो CCl4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो एल्किल देता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पर चलते हैं। तो देखो भाई 29 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता होगा। K2SO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है,
एक फैराडे के बराबर होता है, 96,500 कूलम होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है, दिया गया है तो दिए गए सेल के विद्युत आवक बल का मान है तो 0.94 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, तो ईंधन सेल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर पर चलते हैं, तो देखो भाई 34 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समय के साथ घटते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया दिया गया है निम्न में किस प्रकार से होती है, ठीक है ये दिया गया है हम लोगों का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया गया है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है, तो 2 और 3 के बीच में रहता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो गोंद हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डायस्टेज। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, रासायनिक अधिशोषण की दर क्या हो जाएगा, तो दाब बढ़ने से घटते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, 10% एसिटिक अम्ल रहता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है कि ये जो है दिया गया है ये क्या है बताना है, प्राइमरी एमीन है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है, तो CH3H2NH, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, C3H9N अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो कार्बिल एमीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, एंजाइम है बताना है, प्रोटीन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, SO2 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखे दिया गया, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, NO2 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में किसमें MN की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो MnSO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है, तो Sc3+, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है वह है, तो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, अभिक्रिया ये जो अभिक्रिया दिया गया इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो रजोनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, तो मेथनॉल नहीं देता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 61 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, अभिक्रिया ये जो अभिक्रिया है इसको कहते हैं तो हांसडिकर अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सल्फाइड इसको का सांद्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो फेनोप्लान विधि द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्ष विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो एफ ही हो जाएगा, यानी फेरस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, तो एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो हीलियम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, F2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो H2TE हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।